दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपिका देशवाल, डीएजी पंजाब गवर्नमेंट, डेप्यूटेड इन सुप्रीम कोर्ट, 6 बार की मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ रेसलिंग में, नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अमेरिका में 2 बार मैं स्पीच दे चुकी हूँ यूएनओ में। मुझे सुनहरा अवसर मिला, अपने भारत का नाम रोशन करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होकर मुझे बहुत खुशी हुई। दोस्तों मैं डे फर्स्ट से किसान आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हूँ। दिल्ली में तो 3 महीने से हमारे किसान बॉर्डर्स पर बैठे हैं, लेकिन उससे पहले से ही जब रेलवे ट्रैक्स रोके गए, पंजाब से शुरू हुआ था आंदोलन, तब से मेरे से जितना मुमकिन हो रहा है अपनी जॉब के अलावा मैं पूरा पूरा साथ दे रही हूँ। और दोस्तों अब ये चीज़ इतनी बढ़ चुकी है कि फॉरेन में कई बार कई लोगों के फ़ोन आते, चाहे फॉरेनर्स हैं या फिर वो NRI हैं जो इंडिया के वहाँ जाके सेटल हो रखे हैं, सबको दिल से इतना दुख होता है कि हमारी ही कंट्री में डेमोक्रेटिक हमारे राइट्स कैसे उसका दमन हो रहा है। मतलब प्रोटेस्ट का अधिकार जो हमें संविधान ने, कानून ने दे रखा है, उसी को ही करंट गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लगातार दबाए जा रहे हैं। उल्टा मदद करनी चाहिए, इनकी सुनवाई करनी चाहिए। किसानों के लिए इन्होंने बहुत ही गलत कार्य किया है, उल्टा इनके लिए कील बिछा दी गई हैं। जो देश को रोटी दे रहा है उसको, उसका खून निकाला जा रहा है, उसके तलवों में छेद किया जा रहा है। यह बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक, बेशर्मी वाला काम सरकार कर रही है। हमारी जो देश का नारा होता था जय जवान जय किसान, लेकिन ना जवान की सुनी जा रही है ना ही किसान की सुनी जा रही है। जवानों का भी जो पेंशन का है या NFFU का, ओगास का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का राइट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि उनको इम्प्लीमेंट करो, लेकिन इस सरकार ने उसको भी बेवकूफ़ बना, उन लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया। DOPT में दे दिया गया जो का त्यों रखा गया, लेकिन ये सोशल मीडिया में उस चीज़ की फुल हवाबाजी करते हैं कि हाँ हमने लागू कर दिया, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ। इसी तरीके से इन्होंने कोरोना के दौरान कब में से गुपचुप के कानून बनाया और अब ज़बरदस्ती उसको इम्पोज करना चाहते थे, लेकिन आज का किसान जाग चुका है, आज का किसान पढ़ा लिखा है, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं और उन्हीं के बच्चे बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी और सेफ्टी करते हैं। क्या कोई एक भी नेता का बच्चा है कि जो फोर्स में हो या आर्मी में हो या कभी शहीद हुआ हो? ये सिर्फ देश को लूटने के लिए नेता इतनी बेशर्मी कर रहे हैं। ना इनको किसानों की फिक्र है ना जवानों की है। जिस दिन इस देश में जवानों की और किसानों की फिक्र होने लगेगी तो हमारा देश कहाँ से कहाँ होगा। हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद काफ़ी देश आज़ाद हुए हैं, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि वो नेता ईमानदार थे, लेकिन हमारे देश के नेता भ्रष्ट हैं। कभी भी उन्होंने जवानों और किसान की फिक्र नहीं की, तभी आज ये हालात हो चुके हैं। और मैं सभी युवाओं से आग्रह करती हूँ, जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं, देखिए पद्मा अवार्ड, अर्जुन अवार्ड हमें वाह जरूर दिला देंगे देश, और हमें जो सरकार अगर पैसे देती है और या फिर हमें नौकरी देती है ठीक है, लेकिन आज समय है कि सभी स्पोर्ट्स पर्सन एक हो जाए। हमें नहीं चाहिए कोई अर्जुन अवार्ड, हमें नहीं चाहिए कोई पद्मा अवार्ड, हमें चाहिए किसान का हक, हमें चाहिए जवान का हक। जिस दिन सारे के सारे किसानों के बच्चे और पूरा देश ये एकजुट होकर ये चीज़ बोल देगा, तो किसान किसानों के जो जोश को देकर वैसे ही सरकार की हवा टाइट हो चुकी है और बुरे तरीके से ये लोग बौखला गए हैं। बौखलाने के कारण कभी तो लड़की मंदीप पूनिया को जेल डाल रहे हैं, कभी नवदीप कौर को, मतलब कि जो जो भी आवाज़ उठा रहा है उन पे झूठे केस लगाकर ये लगातार ऐसे करते हैं। हम भी देखते हैं कि कितने लोगों पर आप लोग केस कराएंगे। हम लोग तैयार हैं हर तरीके से, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। कितने लोगों को, कितनी जेल भरोगे? क्योंकि आपसे किसानों का तो कुछ हुआ नहीं, जेल बनवा दीजिए, क्योंकि अब हम सब लोग जेल में ही जाएंगे जो आप झूठे झूठे केस लगा के हम पे अच्छे काम तो कर नहीं सकते। झूठे केस करके किसानों को या उनके बच्चों को या जो किसान सपोर्टर्स हैं उन पे झूठी कार्रवाई करके जो जेल की आप तैयारियां कर रहे हैं, तो हम देखते हैं आप में कितना दम है और हम में कितना दम है। हमारा दम पूरा संसार देख चुका है, पूरा वर्ल्ड देख चुका है। मोदी जी हम यहाँ से नहीं उठने वाले, और लास्ट तक जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम नहीं हटने वाले। ये वो वाली कौम है जिन्होंने देश को आज़ाद किया है 1947 से पहले, और 1947 के बाद भी लगातार पंजाब से क्रांति शुरू हुई थी बॉर्डर्स की और पूरे देश में सारे के सारे फैली थी। तो आप किस कौम से पंगा ले रहे हैं? आपने चाय बेचते बेचते सारा देश बेच दिया, आपने बैंक बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, जो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन फायदे में थे उनको भी बेच दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या RSS से ही रिलेटेड नहीं हैं, अब आप देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको पूरे देश की सोचनी चाहिए। अपनी ईगो छोड़ें, अपना घमंड छोड़ें और किसानों की सुने, और हमारा हक हमें दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।